प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 19 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। आज माता कलिसिया संत यूसुफ अर्थात धन्य कुमारी मरियम का पति का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 4-5 और 12-14 तथा 16 तक से लिया गया है। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर चाहते हो? जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेत और कोड़ों से दंडित करूंगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13-16-18-22 तक से लिया गया है। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा ना केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया है, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। ये प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार अध्याय 1 पद संख्याएं 16-18-21-24 तक से लिया गया है। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा।
यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत योसेफ अर्थात धन्य कुमारी मरियम का पति का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ दाऊद की कहानी का एक अति महत्वपूर्ण अंश है। नाथान दाऊद के दरबार से संबंधित रखता था। वह दाऊद की हर एक चिंता एवं सवाल का समाधान किया करता था। उस समय ईश्वर की मंजूषा को हमेशा जुलूस में ले जाया करते थे, इसलिए राजा दाऊद ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। अतः ईश्वर नाथान के माध्यम से दाऊद को यह संदेश देते हैं कि ईश्वर के लिए मंदिर बनाना दाऊद की योजना निराधार है, क्योंकि मंजूषा को जुलूस में लेके जाना और तंबू में रखना ईश्वर की स्वतंत्रता को इंगित करता है। मंदिर स्थापित करने से उसकी स्वतंत्रता प्रतीकात्मक रूप से सीमित की जाएगी। ईश्वर के लिए पत्थर का मंदिर नहीं, लेकिन लोगों के दिल रूपी मंदिर पसंद हैं, जहां वह निवास कर सके। नाथान ईश्वर से प्राप्त संदेश को दाऊद को सुनाता है। दाऊद ईश्वर के लिए मंदिर नहीं बनाएगा, बल्कि ईश्वर उसके लिए मंदिर बनाएगा, उसके परिवार को सुरक्षित रखेगा, उसका पुत्र उसके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, ईश्वर उसे अपना पुत्र बनाएगा। ईश्वर की यह वाणी प्रभु येसु के आगमन की ओर संकेत करता है। और आज के दूसरा पाठ द्वारा संत पौलुस हमें बताते हैं कि इब्राहिम की धार्मिकता संहिता पर आधारित नहीं है। जी हाँ, ईश्वर का वचन निःशुल्क प्रतिज्ञा के रूप में इब्राहिम को दिया गया था। इब्राहिम ने उसमें विश्वास किया और दिल से उसे स्वीकार किया। वह ईश्वर के सामने धर्मी बन गया। प्रारंभ में यह प्रतिज्ञा केवल कनान देश तक सीमित थी, लेकिन बाद में इस कथन के आधार पर कि मसीह इब्राहिम के वंश से उत्पन्न होंगे और वे समस्त विश्व पर राज्य करेंगे, जी हाँ, इस कथन को लेकर यह प्रतिज्ञा समस्त संसार से जुड़ी हुई है। यह प्रतिज्ञा संहिता से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा पूरी होगी। इसके बहुत सारे कारण जो इस प्रकार हैं। जो प्रतिज्ञा ईश्वर ने इब्राहिम से की थी उसे 400 वर्ष बाद की संहिता रद्द नहीं कर सकती। यह प्रतिज्ञा ईश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। इस कारण से यह प्रतिज्ञा इब्राहिम के सभी वंशजों को जो विश्वास करते हैं अवश्य दी जाएंगी। ईश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार सबों को एक बंधन में जोड़ देता है। वह गैर यहूदियों के लिए द्वार खोल देता है और ईसा के क्रूस के नीचे सबों को बराबर करता है। इस प्रकार इब्राहिम अपने विश्वास के द्वारा बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए। और आज का सुसमाचार पाठ संत योसेफ के व्यक्तित्व को उजागर करता है। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, जब मरियम गर्भवती थी तब वह एक कुंवारी ही थी। अतः संतमती योसेफ को मरियम का पति बतलाते हैं, ना कि येसु का पिता। मरियम और योसेफ दोनों ही दाऊद के घराने से संबंध रखते थे। यदि हम यहूदियों के विवाह संबंधी नियमों का गहन अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि विवाह के तीन चरण थे। पहला चरण है दो परिवारों का इस संबंध को लेकर सहमत होना और दूसरा इस बात की सार्वजनिक घोषणा करना। इस घोषणा के साथ ही जिसे आज भी हम मंगनी के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय मंगनी होने के बाद उनका तलाक असंभव था जब तक कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु ना हो जाए। इस बात से पता चलता है कि विवाह की पवित्रता कितनी गहरी थी।
तीसरे चरण में दोनों का विवाह होना और फिर एक साथ रहना। मरियम का विवाह के पूर्व ही गर्भवती होना एक प्रकार से सामाजिक कलंक की तरह था, किंतु यह किसी मानवीय कारण से नहीं वरन ईश्वरीय योजना के तहत हुआ था। योसेफ असमंजस में पड़ गया था। वह चाहता तो नियमानुसार उसे तलाक दे सकता था। ऐसी स्थिति में मरियम को पत्थरों से मार डाला जाता। योसेफ इन बातों को अच्छी तरह से जानता था, अतः सभी परिस्थितियों को उसने समझा और साथ ही साथ स्वप्न में स्वर्गदूत का संदेश उसकी सारी आशंकाओं और परेशानियों को दूर कर देता है। उसके द्वारा उठाया गया कदम, उसकी पवित्रता, अति संवेदनशीलता, ईश्वर के प्रति जवाबदेह और स्व अनुशासन को दर्शाता है, साथ ही साथ ईश्वर की मुक्ति योजना को आगे बढ़ाता है। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम संत योसेफ के वर्ष में हैं। संत पापा का आग्रह है कि इस वर्ष हम संत योसेफ के व्यक्तित्व पर मनन करें और हमारे परिवार को उनके परिवार के अनुसार बनाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ आज से अर्थात 19 मार्च 2021 से लेकर 26 जून 2022 तक संत पापा ने इसे परिवार का वर्ष भी घोषित किया है। तो आइए आज हम पारिवारिक जीवन में संत योसेफ की भूमिका के बारे में कुछ मनन चिंतन करें। आज्ञाकारिता एवं ईश्वर में दृढ़ विश्वास संत योसेफ की विशेषता थी। वे ना सिर्फ आज्ञाकारी थे बल्कि धर्मी तथा एक ईमानदार व्यक्ति भी थे। यद्यपि पवित्र धर्म ग्रंथ में उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही कम शब्दों में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन परिवार के प्रति उनका समर्पित जीवन ही उन्हें ख्रिस्तीय परिवारों का आदर्श संत के रूप में आदर एवं सम्मान करती है। एक परिवार का निर्माण स्त्री पुरुष के संयोग से होता है और परिवार के निर्माण में पुरुष का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसे संत योसेफ ने बखूबी से निभाया। उन्होंने अपनी पत्नी मरियम और बेटे येसु को हर प्रकार के संरक्षण प्रदान किए। अपनी पत्नी एवं बेटे के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ उनके आध्यात्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जोसेफ और मरियम का सिर्फ मंगनी ही संपन्न हुआ था, लेकिन एक साथ रहने से पहले ही उसकी पत्नी मरियम गर्भवती हो गई थी। वह मरियम को अस्वीकार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने अपने इज्जत की परवाह नहीं की और अपनी पत्नी मरियम को समाज में बेइज्जत होने से बचाया। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को अपनी पत्नी मरियम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने एक पति के कर्तव्य को निभाया। जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हुए तो वे दोनों अनजान प्रदेश में थे। जितना मरियम प्रसव वेदना से कराही होगी, उससे कहीं ज्यादा जोसेफ करा रहे थे होंगे, क्योंकि सराय की खोज में वह दर दर भटक रहा था। जब उनकी पत्नी मरियम ने शिशु बालक को जन्म दिया, पति पत्नी की खुशी दुगुनी हो गई होगी, लेकिन ईश्वर का दूत उसे आदेश दिया कि वह बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चला जाए। हो सकता है शिशु को जन्म देने के बाद मरियम कमजोर हो गई होंगी, उन्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन अपने दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें रातों रात मिस्र देश की ओर रवाना होना पड़ा। हम जानते हैं कि जोसेफ नाजरेत के निवासी थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें मिस्र देश में जाकर एक परदेशी की तरह जीवन यापन करना पड़ा। ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी एवं दृढ़ विश्वासी होने के कारण वह उनकी आज्ञा अनुसार अपना शहर नाजरेत ना जाकर मिस्र देश चला गया। हम जानते हैं
कि जब कोई दूसरे शहरों में जाकर रहता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस देश में ना तो कोई जान पहचान वाला था और ना ही कोई घर, फिर भी जोसेफ हार नहीं माना और अपने परिवार का पालन पोषण एक अनजान देश में किया। जैसे कि मैंने कहा कि वह एक धर्मी व्यक्ति था और अपनी पत्नी तथा शिशु के शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा के साथ साथ उनके आध्यात्मिक विकास पर भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए तथा संहिता का नियम पूरा करने के बाद वे नाजरेत लौटे। जोसेफ एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी गरीब नहीं माना। ईश्वर की कृपा से उन्हें जो प्रतिभा मिली थी उसे उन्होंने ईमानदारी से किया। जी हाँ, वे एक बढ़ाई थे और उन्होंने अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अपने कामों को पूर्ण ईमानदारी के साथ किया करते थे। और यीशु के पालक पिता होने के नाते उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तौर पर शिक्षा प्रदान की। वे मूसा द्वारा प्रदत्त नियमों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, अतः परिवार का शीर्ष होने के नाते अपने बेटे यीशु को संहिता की शिक्षा प्रदान करते हुए यीशु की आध्यात्मिकता पर भी ध्यान दिया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 में हम पढ़ते हैं कि ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि परिवार का शीर्ष होने के नाते संत योसेफ ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने ना सिर्फ परिवार के लालन पालन पर बल दिया, बल्कि उनकी आध्यात्मिकता को मजबूत बनाने में भी विशेष बल दिया। इस प्रकार उन्होंने एक आदर्श एवं निष्ठावान पिता की भूमिका को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाया। उन्होंने मरियम एवं यीशु को हृदय की गहराइयों से प्रेम किया। यही कारण है कि वे अपने परिवार को एक आदर्श एवं पवित्र परिवार में परिवर्तित किया, जो हम ख्रिस्तीय परिवारों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। हम संत योसेफ के पर्व के इस शुभावसर पर सभी पिताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे बुरी आदतें त्याग कर अपने परिवार को ईश्वर भक्त बनाने का प्रयत्न करें। लेकिन परिवार के हर एक मुखिया से, चाहे वो पिता हो या माता, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने परिवार को नाजरेत के परिवार जैसे पवित्र एवं आदर्श परिवार बनाने का प्रयत्न करें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।